अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उमर शहज़ाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसे कि आपको बताया कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होता हूं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज लेकर हाज़िर हुआ हूं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि टेंडा की जो डिवाइस होती है दो एंटीना वाली, उसको आप वायरलेसली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास BTCL के डिवाइस लगी हुई है और आप चाहते हैं कि एक मेरे पास और डिवाइस हो जो जिस पर मुझे तार का ख़र्चा ना करना पड़े, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। आपने एक टेंडा की डिवाइस लेनी है और आपने फिर करना है क्या है कि इस सेटिंग करनी है उसकी, या आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर उसका जो कि IP होती है वह लिखनी है। इसकी ये 1.1 है, 192.168.1.1, इसको इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करते जाएंगे आपके पास यहाँ पर एक जो डिवाइस का जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, वायरलेस सेटिंग पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर एक मिनट, यहाँ वायरलेस रिपीटिंग पर आ जाना है आपने। जैसे वायरलेस रिपीटिंग पर आएंगे तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, तीन चार, डिसेबल WISP, यूनिवर्सल रिपीटर, AP मोड। यहाँ पर आपने यूनिवर्सल रिपीटर पर क्लिक कर देना है। जैसे यूनिवर्सल रिपीटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये एक डिवाइस आ रही है मेरी, मैं इसे क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करता जाऊँगा ये पासवर्ड मांगेगा। मैं अपनी डिवाइस का पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखें आपके डिवाइस जो कि रीबूट होना शुरू हो जाएगी, बंद होकर दोबारा चलेगी। अब आपको ये जो मैंने सेटिंग की है इस पर आपको किसी भी तार लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इस डिवाइस को रखना है जहाँ पर इसके उस दूसरी डिवाइस के सिग्नल कैच कर सके। सिर्फ आपको इतना ही करना है, जैसे ये अटैच होगा तो ये दूसरी जो मेरी डिवाइस लगी हुई है ये देखें, यहाँ पर उमर शहज़ाद चौहान के तीन सिग्नल कैच कर रही है। जैसे ही तीन सिग्नल अगर एक कैच करेगी तो फिर मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा, आपके पास दो या तीन तो होने चाहिए सिग्नल। जैसे ही कैच करेगी तो यहाँ पर खुद ब खुद, अब आप इसको बंद कर चलाएं या जैसे भी चलाएं, ये जब इसको सिग्नल मिलते जाएंगे उस वायर डिवाइस के तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। बस यही थोड़ा सा मेथड था और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखें ये ब्रिज सक्सेसफुली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि आपकी जो कि वायर यूनिवर्सल रिपीटर के तौर पर ये जो डिवाइस है ये कनेक्ट हो चुकी है। आपको तार वगैरह का जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने टेंडा की डिवाइस लेनी है और यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपने ओके कर देना है और आप नेट चलाएँ। ये मैंने दोबारा कर दिया है तो ये फिर रीबूटिंग हो रही है, लेकिन आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक दफ़ा करने दें।